वेलकम फ्रेंड, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन फूड के बारे में। ग्रीन फूड बर्ड्स को देना चाहिए बजीस को और उनके क्या फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में धनिया है और बजीस पैरेट इसको देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद करीब आने लगे हैं धनिया खाने के लिए। अभी हम इसको केस में डालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बजीस पैरेट धनिया को कितने शौक से खा रहा है। तो आप धनिया जो है ग्रीन फूड में आ जाता है और आप इन्हें दे सकते हैं। किसी भी मौसम में धनिया दिया जा सकता है जो बजीस पैरेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत सारे ग्रीन फूड्स होते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, आप ये भी दे सकते हैं। और आप इन्हें नीम के पत्ते भी दे सकते हैं जो एंटीसेप्टिक के लिए काम करता है, इनकी बॉडी को एंटीसेप्टिक करता है। अगर इनको कहीं पे चोट लगी या किसी भी टाइप का रैशेस है तो उसको ख़त्म करता है। तुलसी के पत्ते भी आप इन्हें दे सकते हैं, एक या दो आप सर्दी के मौसम में इन्हें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में पालक और मेथी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल करती है यहाँ पर, क्योंकि पालक और मेथी जो है फ्रेंड्स आपके बजीस को हीट पर रखती है। अगर बजीस हीट पे रहेगा, पैरेट हीट पे रहता है, तो फ्रेंड्स उसको ठंड लगने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि बजीस हीट पे है, ब्रीडिंग प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है। और फ्रेंड्स, ग्रीन फूड से जो इनकी आयरन की मात्रा है ये एक तरह से कंप्लीट होने लगती है, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम आता है अक्सर वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एग फर्टिलाइज होने लगेंगे और फर्टिलाइज होंगे तो जाहिर सी बात है चिक्स भी ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें मेथी और पालक भी दे सकते हैं हफ्ते में दो बार। आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इनको एक साथ ना दें, चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कभी धनिया दे दिया, कभी पालक दे दिया, कभी मेथी दे दिया, ऐसे डे बाई डे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से भाइयों का कहना है कि पालक से बजीस को मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रेंड ये सच है, मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पालक बजीस को एकदम से हीट पिलाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है कि बजीस को पालक हफ्ते में एक या दो बारी दें, इससे ज़्यादा ना दें। और फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ग्रीन फूड हम जब देंगे उसका टाइमिंग दिन का हो, यानी कि दोपहर के टाइम में या फिर 12-11 के आसपास जब धूप निकली हो उसी समय हम बर्ड्स को ग्रीन फूड्स दें। धनिया, पालक, मेथी आप बजीज ही नहीं, लबर्स को भी दे सकते हैं, कॉकटेल्स को भी दे सकते हैं, ये सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। फ्रेंड्स, ग्रीन फूड से फर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम दूर होती है और आपके पैरेट्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं। और फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी बात, जो पैरेट्स हैं वो जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिव रहना है वो उनमें बढ़ जाता है, एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ जाती है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं पहले के मुकाबले। तो ग्रीन फूड बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल फूड हो जाता है एक तरह से, तो नेचुरल फूड बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जो बर्ड्स को देने चाहिए जिससे उनकी ब्रीडिंग हेल्थ दोनों अच्छी रहे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का टॉपिक हमारा है ग्रीन फूड। तो ग्रीन फूड में मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है। धनिया, पालक, मेथी तीनों चीज़ आप दे सकते हैं, इससे आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और बर्ड्स हीट पे रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बड़े शौक़ से खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बर्ड्स नहीं खाते हैं। आपको बस बर्ड्स को हैबिट में लाना होगा, आप बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करें, वो इसको खाना स्टार्ट कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।